राष्ट्र सरकार बनने को लेकर सबकी निगाहें शिवसेना और बीजेपी पे टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी इस बात पर रहस्य बना हुआ है। आज पत्रकार परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकार परिषद में उन्होंने और भी कई बातें की। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 वर्षों में अलग अलग प्रकार से मुंबई को एक आधुनिक शहर बनाने का काम किया है, जिसमें मेट्रो का कार्य, सीलिंग का कार्य, ट्रांसफार्मर रिंग का काम पिछले 5 वर्षों में हमने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में प्रचंड विजय हमारी महायुवती को लोगों ने दी है और विधानसभा के चुनाव में भी हमें जनता ने संपूर्ण बहुमत दिया। खैर, इस बात पे संदेह अभी भी बना हुआ है कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी। हम लोग तैयार कर पाए कि जिसको देश ने अपनाया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव में सड़कें, गांव में पानी पहुंचाने का प्रयास हमने किया। 18,000 गांव में पीने के पानी की योजनाएं हमने तैयार की। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हमने किया। राष्ट्रीय महामार्ग हो, छोटे रास्ते हो, जिस प्रकार से मेट्रो का काम चल रहा है, ट्रांसहार्बर लिंक का काम चल रहा है, हमारे सी लिंक का काम चल रहा है, अलग अलग प्रकार से मुंबई को एक आधुनिक शहर बनाते हुए, चाहे पुणे हो, नागपुर हो, नासिक हो, औरंगाबाद हो, शहरों में और गांव में एक बड़ा कार्य पिछले 5 वर्षों में हमने करके दिखाया। नेतृत्व में महाराष्ट्र में प्रचंड विजय हमारी महायुति को लोगों ने दी और विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों को संपूर्ण बहुमत महाराष्ट्र की जनता ने दिया। 160 से ज्यादा सीटें हमारी जो महायुति है उसकी चुनकर आई और लोगों ने एक बड़ा विश्वास हम पर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 105 सीटें हम जीते और करीब 70% के स्ट्राइक रेट से हम लोगों ने इस चुनाव में सीटें जीती, जो मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र के इतिहास में एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट हम लोग मान सकते हैं। तो एक प्रकार से लोगों का पूरा आशीर्वाद हमको मिला। सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मनोरंजन, राजनीति और खेल से जुड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। द डेली इंडिया न्यूज़, एक कदम आगे।